इसरो इस वक्त एक के बाद एक नए कीर्तिमान बना रहा है। भारत अंतरिक्ष जगत और न्यूक्लियर पावर के क्षेत्र में एक नई महाशक्ति बनकर उभर रहा है। लेकिन इन उपलब्धियों के बीच एक बड़ी खबर है। खबर यह है कि भारत के इसरो और देश के परमाणु संस्थान जासूसों के जाल में जकड़ते जा रहे हैं। इसरो से मिल रही एक बड़ी खबर देश के लिए जितनी शर्मिंदगी का सबब है उससे कहीं ज्यादा आपको हैरान भी करेगी, क्योंकि एक बार फिर इसरो के कंप्यूटर में सेंध लगाने का तगड़ा खुलासा हुआ है। ईमेल आईडी को बनाया निशाना। खबर है कि gov.in एक्सटेंशन वाली करीब 3000 ईमेल आईडी हैक की गई और उसके बाद उनसे छेड़छाड़ हुई है। इन आईडी में छेड़छाड़ कर उनके पासवर्ड चुरा लिए गए, जो अब डीप और डार्क वेब पर लीक हुए ईमेल के डेटाबेस में प्लेन टेक्स्ट के तौर पर उपलब्ध है। भारत के जिन बेहद महत्वपूर्ण सरकारी संस्थानों से जुड़े ईमेल आईडी चुराए गए हैं उनमें इसरो के अलावा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, विदेश मंत्रालय, कंपनी मामलों के मंत्रालय और सीबी मेन है। खबर है कि देश के अंतरिक्ष और परमाणु वैज्ञानिकों के अलावा करीब 20 सरकारी संस्थानों के अधिकारियों की ईमेल में भी तगड़ी छेड़छाड़ की गई। ईमेल की कैसे हुई हैकिंग? साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन ईमेल आईडी को फिशिंग मेल के जरिए निशाना बनाया गया है। इस तरह की मेल को ओपन करने से वायरस पूरे सिस्टम इंस्टॉल हो गया और फिर हैकर्स ने ईमेल सर्वर तक पहुंच बना ली। डेटाबेस तक पहुंच रखने वाले स्वतंत्र साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिन ईमेल आईडी के साथ छेड़छाड़ हुई है उनमें एक पैटर्न दिख रहा है। इन सभी ईमेल आईडी के पासवर्ड कमजोर थे। हालांकि अभी ये पता नहीं चल सका कि ईमेल से चुराई गई जानकारियां बाहरी लोगों के हाथ लगी हैं या फिर ईमेल से कोई सूचना चुराई गई है, लेकिन इससे देश के बड़े संस्थानों और सरकारी विभागों में साइबर सिक्योरिटी को लेकर गंभीर चिंता पैदा हो गई है। देश के लिए कितना बड़ा है ये खतरा? साइबर सिक्योरिटी आज जितना बड़ा मसला है उतना शायद बॉर्डर पर सुरक्षा भी नहीं है, क्योंकि देश की खुफिया जानकारी जुटाकर देश के पूरे सिस्टम को पंगु बनाया जा सकता है। देश के लिए बड़ी चिंता की बात यह है कि स्पेस और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और रिसर्च में काम करने वाले वैज्ञानिकों के ईमेल आईडी को निशाना बनाया गया है। बड़ी बात यह है कि हमारे वैज्ञानिक और अधिकारी इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं कि वो इस तरह की ईमेल को लेकर सतर्क नहीं है। शायद सरकारी संगठन और सीनियर अधिकारी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जरूरी सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर रहे हैं। पहले भी लगी थी इसरो के कंप्यूटर्स में सेंध। इसरो के कंप्यूटर्स में इससे पहले भी वायरस ने सेंध लगाई थी। नॉर्थ कोरिया के हैकर्स ने 3 सितंबर 2019 को इसरो और कुजनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट पर साइबर अटैक के जरिए अहम जानकारियां जुटा ली थी। इस वायरस की पहचान डीट्रैक के रूप में की गई थी। कुजनकुलम प्लांट में लगाई गई सेंध की जानकारी 28 अक्टूबर को तब सामने आई जब एक ऑनलाइन मालवेयर स्कैनिंग सर्विस virustotal.com पर प्लांट के डेटा को दिखाया गया। 19 अक्टूबर को कुजनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना ने कहा कि संयंत्र के एकमात्र नियंत्रण प्रणाली पर कोई साइबर हमला संभव नहीं था। हालांकि अगले दिन न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने स्वीकार किया कि प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले इंटरनेट से जुड़े नेटवर्क में एक संक्रमण था और कहा कि इस मामले की जांच डीएई विशेषज्ञों द्वारा तुरंत की गई थी। साथ ही कहा गया कि ये नेटवर्क महत्वपूर्ण आंतरिक नेटवर्क से अलग है। नेटवर्क पर लगातार नजर रखी जा रही है। जांच से ये भी पुष्टि हुई कि संयंत्र प्रणाली प्रभावित नहीं है। चंद्रयान 2 के वक्त हुई थी हैकिंग। इसरो कंप्यूटर्स में मालवेयर को लेकर टीम इसरो ने कोई जवाब नहीं दिया था। हालांकि सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की थी कि खतरे की सूचना मिलने के दौरान चंद्रयान मिशन 2 की लैंडिंग में 100 मिनट बाकी थे, यानी इसरो में ये सेंध चांद पर चंद्रयान 2 की लैंडिंग से कुछ ही वक्त पहले हुई थी। इस मामले में कुछ अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 मिशन के कमांड मॉड्यूल के कंप्यूटर्स में हैकिंग की संभावनाएं भी जताई थी। चंद्रयान 2 की चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग से पहले उसका इसरो से संपर्क टूटने को लेकर वरिष्ठ स्पेस साइंटिस्ट डॉक्टर राम श्रीवास्तव ने भी गंभीर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह अचानक लैंडर विक्रम का इसरो से संपर्क टूटा उससे कई सवाल उठ रहे हैं। श्रीवास्तव का कहना है कि कहीं इस पूरे सिस्टम को हैक तो नहीं कर लिया गया। लैंडर विक्रम की चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो सकी। ऐसे में अगर कम्युनिकेशन लिंक फेलियर हुआ और उसका संपर्क टूटा तो इससे लगता है कि पूरे सिस्टम को हैक कर लिया गया हो।
हालांकि टीम इसरो ने हैकिंग के दावे को नकार दिया। हालांकि मालवेयर अटैक के खुलासे ने भारत के चंद्र मिशन पर हैकिंग को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। हालांकि दुनिया की कोई एजेंसी ऐसे मामलों की इंटरनल जांच ही करती है, वो रिपोर्ट कभी सामने नहीं आती है, और इसरो के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। इसरो की हैकिंग में किसका हाथ? इसरो और कुजमकुलम प्लांट के सिस्टम्स की साइबर सुरक्षा में सेंध की बात सामने आने पर दक्षिण कोरिया ने मालवेयर का विश्लेषण करने वाली इश्यू मेकर्स लैब ने दावा किया था कि ये वही मालवेयर है जिसने साल 2016 में दक्षिण कोरिया के आंतरिक सैन्य नेटवर्क में सेंध लगाई थी। इसने 1 नवंबर को दावा किया कि उत्तर कोरिया थोरियम आधारित परमाणु ऊर्जा हासिल करना चाहता है, साथ ही वो देश की रॉकेट और स्पेस टेक्नोलॉजी को चुराने की फिराक में है। चूंकि इसरो का स्पेस प्रोग्राम बेहद शानदार और किफायती है, साथ ही भारत थोरियम परमाणु ऊर्जा तकनीक के मामले में अग्रणी है, लिहाजा वो भारत को टारगेट कर रहे हैं। आपको बता दें कि किम जोंग उन उत्तर कोरिया का तानाशाह है और उसने हैकर्स के एक लंबा चौड़ा ग्रुप बना रखा है। ये ग्रुप भारत समेत दुनिया के कई बड़े बैंकों को निशाना बना चुका है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस ग्रुप के ज्यादातर हैकर्स के तार चीन से जुड़े हुए हैं और ये उत्तर कोरिया के साथ साथ चीन के इशारों पर काम करते हैं। हालांकि अभी जो ताजा साइबर अटैक हुआ है उसके पीछे किसका हाथ है, इसका पता लगना अभी बाकी है।